प्रथम तहलका न्यूज। कोरोना की वैक्सीन को लेकर सरकार और प्रशासन के द्वारा कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ ऐसी ही अनोखी पहल रोहतक में देखने को मिली। बता दें कि यहां पर प्रशासन के द्वारा वैक्सीनेशन और जागरूकता के लिए एक पहल की गई है, जिसके तहत ये मोबाइल बसों को तैयार किया गया है। इन बसों के जरिए न केवल ग्रामीणों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी, बल्कि लोगों को टीकाकरण के लिए जागरूक भी किया जाएगा। यानी कि एक पंथ और दो का रोहतक के उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने अपने आवास के बाहर से हरी झंडी दिखाकर प्रचार के लिए इन 6 बसों को रवाना किया है। जैसे आप देखते हैं हमेशा कि एक चीज जो ही ढलान की तरफ आती है, लोग फिर दोबारा से सीरियसनेस खो देते हैं अपनी। तो वैक्सीनेशन की ड्राइव मंद ना पड़े और लोग जागरूक रहें, ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन करवाएं। इसके लिए ये प्रयास है जो हमारे स्कॉलर्स रोजरी के गुगनानी साहब की जानिब से किया गया है और हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ, यूँ कह लीजिए कि JV है, ये 6 बसें इस काम के लिए लगाई गई हैं जो एक्सक्लूसिवली टीकाकरण के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए और एक्चुअल टीकाकरण वहीं पे करने के लिए। तो जो हमारी CHCs हैं, फील्ड हॉस्पिटल्स जिनको कहते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, तो हर CHC पे एक बस, यानी कि जितना उस CHC का कैचमेंट एरिया है, ज्यूरिसडिक्शन है, उसको पूरे को ये गाड़ियाँ कवर करेंगी। दैट मीन्स हमारा जो रूरल सेक्टर है जितना भी रोहतक का, वो 100% कवरेज में इसके मार्फत आएगा। तो मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर गुगनानी को और मेरी शुभकामनाएं डॉक्टर बिरला को और उनकी टीम को। मैं धन्यवादी हूँ मेयर साहब का और इनर व्हील क्लब का और जितने भी सज्जन और देवियाँ आज यहाँ पर आए हैं, समाज के विभिन्न तबकों से जो जागरूक तबके हैं उनसे उठ के आए हैं और एक आहुति है उनकी इस दिशा में कि लोग जागरूक बने, वैक्सीनेशन करवाएं ताकि सबका कल्याण हो, कोई बीमार ना हो, कोई बीमार हो जाए तो उससे वो बीमारी दूसरी जगह न फैले। तो DC ने जिलावासियों से कोरोना महामारी की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर अलर्ट भी किया है। उन्होंने कहा कि कोविड उचित व्यवहार अपनाना जाना जरूरी है। इस मौके पर नगर निगम के मेयर मनमोहन गोयल और इनर व्हील क्लब की महिला सदस्य भी मौजूद रही। अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं, स्पेशली गांव वगैरह में, जो वैक्सीन नहीं लगवाना चाह रहे हैं। हम लोग उनको अवेयरनेस देना चाहते हैं कि नहीं, ये दिस इज द नीड ऑफ द आवर, वी ऑल शुड join hands with the government and spread this awareness कि हम लोग को सबको वैक्सीन की ज़रूरत है, इसके बिना हम लोग कोरोना को जीत नहीं सकते हैं। तो दिस इज़ द बिगेस्ट मैसेज दैट वी वॉन्ट टू प्रोट्रे टूडे टू द सोसाइटी। तो आपको लगता है कि और भी जितने भी समाजसेवी हैं, संस्थाएं हैं, उनको आगे आना चाहिए इस योगदान? जी हाँ, बिल्कुल आना चाहिए। हर NGO जो काम कर रही है कम्युनिटीज़ के लिए, उनको आगे बढ़ के गवर्नमेंट की स्कीम जो सबसे बड़ी है और जो जिसकी प्रथम मैंने सबसे आवश्यक है इस समय, इट इज़ द नीड ऑफ द आवर, उसमें हम लोग साथ देंगे तो गवर्नमेंट मजबूत होएगी, हमारा देश मजबूत होएगा, हमारी कम्युनिटीज मजबूत होंगी। कोरोना की दूसरी लहर भले ही देश में कुछ हद तक थमती हुई नजर आ रही है, लेकिन तीसरी लहर की संभावना भी जताई जा रही है, जिसे लेकर सरकार और प्रशासन तैयारियों में जुटे हुए हैं। प्रथम तहलका के लिए रोहतक से रिंकू परमार की रिपोर्ट।